अरे गीतांजलि देवी जी, आप आइए आइए। गीतांजलि देवी जी, आज आप लोग को यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अरे बच्चों, तुम लोग जल्दी आओ। ये है गीतांजलि देवी जी और ये इनका पूरा परिवार। चलो अब आप सब इनको नमस्ते बोलो। नमस्ते। नमस्ते बच्चों, सब लोग बहुत खुश रहो। आप सब कितने क्यूट हो। आप भी तो बहुत क्यूट हो दीदी। गीतांजलि देवी जी, आज आप सामने से चलकर यहाँ आई हैं। सच में आज तो इन बच्चों के भाग खुल गए। नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इतने मासूम और खुश खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं। सच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। गाड़ी में खाना रखा है, सामान रखा है, आप किसी से मंगवा लेंगी? जी जी, हम अभी मंगवा लेते हैं। आप लोग अंदर आइए ना। अच्छा चलिए। गरम गरम कचौरी और समोसे आप सबके लिए। आज संक्रांत के दिन दान पुण्य करना बहुत शुभ होता है, तो हमारी बहू सिमर ने ये कहा कि क्यों ना हम अनाथ आश्रम जाएं, बच्चों से मिले। उनके खुश खुश चेहरे देखकर अच्छा लग रहा है। सिमर, जूस बॉक्स खत्म हो गया, दूसरी गाड़ी में मैं लेकर आता हूँ। अरे जी, मैं लेकर आती हूँ ना। अरे भाई, हाँ आप चाहिए, मैं आती हूँ। ओके, हाँ छोटे। पापा, पापा। हाँ सिमर, क्या हुआ? कुछ काम था? नहीं पापा, वो तो मैं बस गाड़ी से जूस का बॉक्स लेने गई थी। आपको पता है पापा, बच्चे इतने खुश लग रहे हैं। आप अंदर चल के बच्चों से नहीं मिलेंगे? सिमर, तुमने ये आश्रम ही क्यों चुना? वो क्या है ना पापा, आप कई सालों से किसी को भी बिना बताए चुपचाप इसी आश्रम को दान दे रहे। पापा, वो हरिव जी के साथ बैठ के अकाउंट समझ रही थी ना, तो एक फाइल में यहाँ के रिसिप्ट देखे और तभी मैंने आपका ये छोटा सा राज जान लिया था पापा। हाँ, कि 25 सालों से आप इतना बड़ा दान इस आश्रम को देते आए और परिवार में किसी को पता भी नहीं। कोई बात नहीं पापा, मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि इतने बड़े दान का पुण्य आपको मिल रहा है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मेरी बच्ची, कि ये करके मैं पुण्य नहीं कमा रहा हूं, अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा हूं। पापा, इसीलिए मैंने ये आश्रम चुना। अब चलिए। नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूं। पापा माफ कीजिएगा, वो जब से उन पंडित जी ने वो श्राप वाली बात बोली है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो आप अपनी बेटी से शेयर कर सकते हैं पापा। मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती पापा। पापा, मुझे नहीं पता कि ये गलत है या सही, मुझे आपसे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं। और पापा, मैं सिर्फ आपको पापा कहती, दिल से मानती, इसलिए कह रही, हम सब आपके अपने हैं पापा। और अपनों से दिल की बात कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता। और आपने भी तो कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों में मुझसे मेरे दिल का हाल शेयर किया, मेरे दिल के बोझ को हल्का किया, तो आज ये सौभाग्य मुझे भी दे दीजिए पापा, कि मैं अपने पिता के दिल के बोझ को थोड़ा सा हल्का कर सकूं। कोई बात नहीं पापा, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी, लेकिन आप
जब भी दिल से अपनी इस बेटी को याद करेंगे ना, उसे अपने सामने खड़ा पाएंगे। अब चलती हूँ पापा। वैसे अगर आप भी अंदर चलेंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा पापा। आगे आपकी मर्जी। फिर क्या, बंदर ने दोनों लड्डू एक साथ कब से अपने मुंह में डाल लिए, एक इस गाल में भरा ऊं और एक उस गाल में भरा ऊं। फिर थैंक यू पापा। पापा बाहर ही वेट कर रहे हैं। मैं एक मिनट आई। ठीक आया दीदी। सारे बच्चों को प्लेट्स मिल गए ना, कोई बचा तो नहीं? यहाँ जितने भी बच्चे सभी को प्लेट मिल गई, आप निश्चिंत रहे। यहाँ सभी बच्चों को, मतलब कुछ बच्चे अंदर भी हैं क्या? बच्चे नहीं, सिर्फ एक बच्ची, मगर वो कभी बाहर नहीं आती। प्लीज ऐसा मत कीजिए, उसे भी बाहर बुला लीजिए। आज के दिन प्रसाद और खाना सब बच्चों को मिलना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। देखिए बेहतर यही होगा कि वो बच्ची अंदर ही रहे, लेकिन आप चाहती हैं तो मैं उसकी प्लेट लगाकर अंदर ही दे आती हूँ। ठीक है, ये भी ठीक रहेगा, लेकिन उसे मैं खुद जाके वो प्लेट दूंगी। हाँ, अंदर मेरा पूरा परिवार है, मेरे परिवार के सामने कोई बात नहीं खोलनी चाहिए। गजेंद्र जी, इसीलिए बाहर आई हूँ कि आपसे खुल के बात कर सकूं। ये बात करना भी अब आपसे बहुत जरूरी हो गया है। देखिए प्रेरणा जी, अगर धन की आवश्यकता है तो हर महीने आप जितना कहेंगी मैं आश्रम। नहीं नहीं गजेंद्र जी, पैसे की कोई बात नहीं है। मैंने आपसे कहा था उसे यहाँ से ले जाने के लिए आपको इंतजाम करना ही होगा। रुक जाइए, आप इससे आगे नहीं जा सकती। आया दीदी, बात बस उसे ये खाना देने की है ना, तो उसे ये खाना मैं दे दूंगी। देखिए मैं आपसे इस बात पर बहस नहीं करती, लेकिन ये दान पुण्य का काम है, मुझे अपने हाथों से करना होगा। ये मुमकिन नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकती। पर क्यों? क्योंकि वो बच्ची बहुत ही खतरनाक है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। एक दिमाग से असंतुलित बच्ची को मैं कब तक कमरे में बंद रखूंगी? अब इस आश्रम में उसे रखना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि वो बाकी बच्चों के लिए खतरा बनती जा रही है। खतरा? हाँ खतरा, वो सभी बच्चों को मारती है और जब उसे गुस्सा आता है तो वो आपे से बाहर हो जाती है, इसीलिए उसे यहाँ अकेले में सबसे दूर रखना पड़ता है। रुकिए, तो आप इसके आगे अंदर नहीं जा सकती, वार्डन मैडम ने सख्त मना किया है। देखिए प्लीज, कोई भी बच्चा ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसे कुछ नहीं होगा, प्लीज चिंता मत कीजिए। चिंता की बात तो है, मैं मानता हूं, लेकिन प्रेरणा जी मुझे कुछ समय चाहिए। हमारे परिवार के लिए पिछले कुछ दिन बहुत ही मुसीबत भरे थे, बस मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए, मैं मासूमी कहीं और रहने का इंतजाम कर दूंगा। क्या नाम बताया था आपने? मासूमी। तो प्यारा नाम है मासूमी। मासूमी, देखो कौन है। भगवान, अभी लड़की जाने कौन सा तमाशा दिखाएगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मासूमी का नेचर तो पहले से ही एग्रेसिव था, अब दिन पर दिन उसके अंदर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कोई नहीं जानता कि कौन सी बात उसको कब बुरी लग जाए। एक कोने में चुपचाप बैठी हुई मासूमी, पता नहीं कौन सी बात उसको कब चुप जाती है और एकदम से उसका मूड बदल जाता है। पता है गजेंद्र जी, पिछले ही हफ्ते उसने 3 बच्चों पे हमला किया था। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते हमने उन बच्चों को बचा लिया। नहीं गजेंद्र जी, अब इस आश्रम में उसे रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, माफ कीजिए। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ, इसमें पेठा है, समोसे हैं, कचौड़ी है, आलू पूरी है,
और ठंडा ठंडा जूस भी है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तुम्हारे पेट में भी चूहे कूद रहे होंगे ना? एक मिनट। ये लो। कोई बात नहीं, तुम्हें शायद आलू पूरी नहीं पसंद है ना? वैसे ये जूस तो सबको पसंद होता है, मेरा भी फेवरेट है, आई एम श्योर तुम्हारा भी फेवरेट होगा, है ना? बेटा प्लीज प्लीज हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मासूमी,